एक जानब 200 साल से मार खाती चली आने वाली एक बेचारी अनपढ़ कौम, जिससे शऊर की आखिरी रमक तक छीन लेने के लिए दुनिया भर के चोर इसके घर में नकब लगाकर बैठे हैं। दूसरी जानब नई नवीली टाइयों के साथ मीडिया स्क्रीनों पर जलवानुमा शातिर दिमाग, जो पढ़े लिखे हैं, नहायत मनसूबा बंद, जहीन फतीन, ट्रेनिंग याफ्ता, देखभाल कर चलने और शिस्त बांध कर तीर चलाने वाले, एक जानब एक भोली पसमानदा कौम जिस पर के तहजीब आज़र के इन नए रंदों और साजंदों की असल हकीकत भी कुछ बहुत खुली हुई नहीं है। दूसरी जानब दीन बाख्ता एंकरों, सियासतदानों और दानिश्वर खरांट मर्दों और औरतों का पूरा एक मुनज्जम टोला, जिसका अंग अंग बोलकर कहता है कि ये देसी टोला उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे, उसकी तहजीब और उसके सब के सब फर मुसलमात को फरसूदा और बेहूदा बनाकर पेश करने पर बाकायदा मामूर है, और जो दीन के इन सब मुसलमात को उम्मत मुहम्मद के दिलों से खुरच खुरच कर निकाल देने और इसके दिमागों से पूरी तरह धोकर रख देने, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने के दर पे है। एक तरफ सूरत हाल ये है कि इस कौम मुस्तफ़वी के दीन, इसके अकीदे, इसकी शरीयत और इसके नबी की नामूस के लिए एक भी चैनल दस्तियाब नहीं, यानी इधर मैदान पूरी तरह खाली, जबकि उधर उस शैतानी अकीदे, उस इबलीसी दीन, उस ज़मीनी शरीयत और उन इलाहादी मुसलमात की नामूस के लिए दर्जनों चैनल और सैकड़ों रिसाले और हज़ारों फोरम और करोड़ों स्क्रीनें दस्तियाब हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ अपनी तारीख की बदतरीन गोया आखिरी तरीन जंग लड़ रहे हैं। यानी दो फरीकों के वसाइल और इम्कानात का मवाजना करना भी शायद एक फजूल बात हो। एक तरफ गुरबत और इफ़्तास की मारी हुई एक कौम जिसके लिए दो वक्त की रोटी हासिल करना ही जान जोखों का काम बना रखा गया है, दूसरी जानब मुसलमानों के दीन और अकीदे के साथ बरसर जंग एजेंडा को इस मुल्क में वसाइल की वो रेल पेल और इख्तियार की वो आशेरबाद और इम्कान की वो बहतात के चोरियों के थान तो लाठियों के गज। एक तरफ हालत ये कि इस्लाम पर मरमिटने वाले मेहनती और मुनज्जम दानिश्वरों की कोई ऐसी बासलाहियत खेप सिरे से इस कौम को दस्तियाब नहीं है, जो इस्लाम के खिलाफ तारीख की इस बदतरीन जंग के अंदर उम्मत के अकीदे और शरीयत का आलम थाम कर मैदान में उतरे। दूसरी जानब दार इस्लाम के अंदर लॉन्च कराए जाने वाले शैतानी एजेंडा को ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल इम्कानात और ऐसे ऐसे थिंक टैंक्स की मदद, जो अपने मकरो तदबीर के ज़ोर से पहाड़ों को हिलाकर रख दें, वह इनका नमकरोम लितजूल मिनहुल जिबाल। और वाज़े बात है, जिस जंग में किसी कौम के अपने दानिश्वर सोए हुए हों और उसकी जंग जो कि है ही नज़रियाती, सारी की सारी उसके दानिश्वरों के बगैर लड़ी जा रही हो, तो ऐसी जंग के मुमकिन अंजाम की बाबत किसी बहुत बड़ी क़याफ़ा आरई की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। ये सब सही है, फिर भी ये एक ऐसी कौम है जिसका दीन एक सच्चा दीन है और ज़मीन पर खुदा की आखिरी हुज्जत। ये दीन चला जाता है तो इसके बाद सिर्फ क़यामत का आना बाकी रह जाता है, और इसके लिए वक्त के सब्ज नादिका को शायद बेहद जल्दी हो रही है। हाँ, अब जब उनकी जंग सीधी सीधी इस दीन के साथ है और उनके ये सब रंदे और साजंदे जो हमें यहाँ की हर स्क्रीन, हर फोरम, हर डाइस और शायद हर क्लासरूम में नज़र आने लगे हैं, उनका हाथ सीधा सीधा हमारे दीन और हमारे अकीदे पर जा पड़ा है, तो यहाँ अलबत्ता मामला कुछ मुख्तलिफ हो गया है। जीत हार की ये कहानी अब बिल्कुल कुछ और हो गई है, और अगर आज हमारे कुछ दानिशमंद कफन बांधकर मैदान में उतरते हैं और इसको दो अकीदों की जंग बना देते हैं, तो इस पूरी जंग ही का पांसा पलट देने का एक सुनहरी मौका भी अल्लाह के फजल से यह हम एक वाज़ह तरीन अंदाज में देख रहे हैं इंशाअल्लाह। वो हक परस्त जमीयत जो अपनी तमाम तर कुव्वत हक से अख्ज करती है, हमेशा वसाइल से बेनियाज होकर लड़ती है,
یہ بات ہر قسم کی جنگ پر صادق آتی ہے اور اس امت کی تاریخ تو ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ البتہ ایک نظریاتی جنگ ہو تو اس پر تو یہ بات بدرجہ اتم صادق آتی ہے۔ لہذا یہ وہ جنگ ہے جو وسائل سے بے پرواہ بے نیاز ہو کر لڑی جائے اور تمام کی تمام قوت اس حق کے اندر تلاش کی جائے گی جس کا عالم تھامنے کے لیے دنیا میں انبیاء کے پیروکار پائے گئے۔